हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम ब्लैक होल के बारे में जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1916 को ब्लैक होल के अस्तित्व को सबसे पहले बताया था। उसके बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने 1967 को पूर्ण रूप से ब्लैक होल वर्ड का प्रयोग किया था और पहला ब्लैक होल 1971 में एस्ट्रोनॉमी के द्वारा खोजा गया। यह था कुछ बैकग्राउंड और अब हम जानेंगे कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक अत्यंत डेंस स्थान है, इसके प्रभाव से किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु इससे बाहर नहीं निकल सकती। आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल का निर्माण ऐसे विशाल तारों से होता है जो अपने जीवन काल के लास्ट स्टेज में होते हैं। ये विशाल तारे अपने ही भीतर सिमटने लगते हैं और धीरे धीरे वे भारी भरकम ब्लैक होल में बदल जाते हैं। धीरे धीरे हमारे माइंड में यह भी सवाल उठता है कि अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो क्या होगा? पॉसिबल है कि वह जलकर राख हो जाए या फिर अनंत काल तक ऐसे ही रह जाए या किसी नए ग्रह में पहुंच जाए। अब तक यह कोई नहीं जान पाया है। अब कुछ और जानकारी जो हम ब्लैक होल के बारे में बताएंगे। ब्लैक होल के बाहरी भाग को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इवेंट होराइजन के अंदर जो कुछ भी आता है वह ब्लैक होल के अकल्पनीय प्रबल ग्रेविटेशन के कारण उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इवेंट होराइजन वह स्थान है जहाँ से किसी भी वस्तु को प्रबल गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए लाइट की स्पीड से भी अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस में लाइट की स्पीड से अधिक कुछ भी नहीं चल सकता। कहने का अर्थ यह है इवेंट होराइजन से कुछ वापस नहीं आ सकता, यहाँ तक कि ब्लैक होल में फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। यदि उसके अंदर प्रकाश भी जाता है तो वह कभी वापस लौट कर नहीं आता है। वहाँ समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ बस ग्रेविटेशन और अंधकार है। एज एग्जाम्पल, जब किसी वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर आता है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। यदि प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों को न दिखे तो वहाँ ब्लैक होल हो सकता है। अब हम यह भी जानेंगे कि आखिर ब्लैक होल के विषय में सर स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन ने क्या बताया। सर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर इवेंट होराइजन का तथ्य दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे बाहर रेडिएशन निकलती है, इसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। इसी वजह से एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल अपना द्रव्यमान खो देता है। इसी ब्लैक होल में जाकर प्रकाश, समय, स्पेस सब अपना अर्थ खो देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के लॉ ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि इसके करीब आने पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बच सके। लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स और वर्चुअल पार्टिकल के आधार पर बताया है कि ब्लैक होल एक रोशनी या रेडिएशन उत्सर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हल्के होते हैं जिन्हें देख पाना आसान नहीं है। लेकिन इस बात पर साइंटिस्ट ने कहा, जब लाइट नहीं निकल सकती तो रेडिएशन कैसे निकल सकता है? फिर उन्होंने लैब के अंदर ब्लैक होल बनाने शुरू कर दिए। टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक ब्लैक होल एनालॉग बनाकर हॉकिंग रेडिएशन को टेस्ट किया और 97,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने आखिरकार हॉकिंग की थ्योरी को सही पाया। उन्होंने पाया कि ब्लैक होल से रेडिएशन उत्सर्जित होती है। तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी ब्लैक होल के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।